युवा कांग्रेस ने भारत चीन सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस ने भारत सरकार से इन शहीदों की शहादत का बदला चीन से लेने की अपील की। देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए देश के वीर सैनिकों की शहादत से आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। साथ ही चीन द्वारा की गई इस कायरतापूर्ण हरकत को लेकर देशवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सदर युवा कांग्रेस ने गांधी भवन मंडी में देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस की ओर से शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस ने चाइना के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया, साथ ही केंद्र सरकार से चाइना को इस क्रूरता का जवाब देने की अपील की। सदर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रविन्द्र ठाकुर ने कहा कि जब भारत चीन को जवाब देगा तभी शहीद हुए इन वीर सैनिकों को देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं रविंद्र ठाकुर, यूथ कांग्रेस प्रेगनेंट सदर मंडी। आज जो हमने यूथ कांग्रेस की तरफ से जो हमारे वीर जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि अर्पित की, और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो चाइना ने एक ऐसी हरकत की है उसको करारा जवाब दिया जाए और उनके शहीदों के परिवारों को और पूरे देश को एक आत्म सम्मान मिले, और हमारा जो आगे को यूथ और जो भी देश के जवान हैं उनको जो शहादत हुई है उनको सच्ची श्रद्धांजलि चाइना से बदला लेकर मिले।